डोकलाम के पास चीन के गांव पर कांग्रेस हमलावर, केंद्र सरकार की चुप्पी, क्या बेशर्म समझौता, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस का सवाल, चीन ने अरुणाचल में गांव बना कैसे लिया। भूटान में चार नए गांव बसाने पर मोदी जी चुप क्यों हैं, कहा है कांग्रेस ने, सुनिए। डोकलाम से कुछ ही दूरी पर जहां पे चीन परमानेंट रोड बना रहा है, उससे कुछ ही दूरी पर 25,000 एकड़ चीन की सेना ने ले लिया। भारत में अरुणाचल के अंदर हमारी सीमा में गांव बस रहे हैं, डोकलाम से कुछ ही दूरी पर भूटान की सीमा में गांव बस रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हो। सुन लिया आपने, अब जरा क्योंकि अभी देखिए बाराहोती का सवाल भी उठाया गया, वहां पर सेना ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, और एक बार उसको मैं फिर से आपके सामने स्थापित कर देने के लिए मैं जाता हूं सुमित के पास। सुमित, इधर जो बहुत सारी बातों का हवाला दिया गया उसमें बाराहोती का हवाला भी था कि उधर से आए घुड़सवार, आए पुल तोड़ते हुए चले गए, और सेना ने कहा था कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सेना ने साफ तौर पर कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि कन्फ्रंटेशन हुआ। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि कोई भी डिमार्केटेड लाइन नहीं है, ये परसेप्शन पर है। चीन लगातार अपनी क्लेम लाइन के ऊपर बात करता है, भारत अपनी क्लेम लाइन, लेकिन बात यह है कि दिनेश, मैसिव स्केल में जब रीइंफोर्समेंट आता है, मैसिव स्केल में जब फोर्सेस आगे आ जाती हैं, तो वो एक रेड फ्लैग इशू होता है, यानी एक रेड फ्लैग खड़ा देखा जाता है कि भाई अब अगर इतनी तेजी से कोई सामने वाली सेना आई है तो उसका मकसद क्या है, उसके पीछे की स्ट्रैटेजीज क्या है। तो उसी के बाद ये लगातार रीइंफोर्समेंट के लिए हमारा इंपॉर्टेंट बात कही, इसको लेकर सुमित मैं जाना चाहता हूं एक्सपर्ट के पास, मेजर जनरल संजय मेस्टन, ये रेड फ्लैग है या ये एनक्रोचमेंट है? मैं आता हूं गुरदीप सप्पल, आपका इशारा देख रहा हूं, प्लीज एक राउंड मुझको सभी लोगों के साथ कंप्लीट करने दीजिए। संजय मेस्टन। दिनेश, मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात, जिस इलाके की बात हो रही है, मैंने खुद अपनी ब्रिगेड नथुला में कमांड की थी 2009 से 2010, जो पूरा डोलम प्लेटो मेरी जिम्मेदारी या मेरी ब्रिगेड की जिम्मेदारी थी। दूसरा, उसके बाद मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में एज अ ब्रिगेडियर था, DDGMOA, जो मेरा पूरा जिम्मेदारी था चाइना का बॉर्डर के ऊपर कंट्रोल रखना, मतलब पूरी मेरी जिम्मेदारी थी। और उससे पहले मैंने एज अ कर्नल 3 डिव जो ले में है वहाँ पर भी काम किया हुआ है एज अ कर्नल GS ऑपरेशनल प्लानिंग। तो मैं कुछ फैक्ट्स क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, मैं एक सेना का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। पहली बात, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं होना चाहिए और ना है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। अब बात कर रहे हैं हम लोग डोलम या डोकलम प्लेटो की, मैं पहली बात दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। नंबर एक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जब मैं वहां खुद ब्रिगेड कमांड कर रहा था 2009 में, जवाहरलाल नेहरू मार एक्सेस को विस्तार से डबल लेनिंग किया जा रहा था, तो वो मेरे से भी पहले चल रहा था। अब उस समय किसकी गवर्नमेंट थी किसकी नहीं थी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जहां तक सेना का सवाल है, सेना क्या करती है मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में, हम लोग अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिक्वायरमेंट पेश करते हैं और ये एक्सेप्ट हुआ था, डबल लेनिंग हो रही थी, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे ये शोक दरबुक एक्सेस है जो कारगिल ये लेह के इलाके में है, जो हमारे DBO को कनेक्ट कर रहा है, उधर भी ये चीजें अप्रूव हुई थी मेरे ख्याल 2003 या 4 से ये रोड का प्रोजेक्ट चल रहा था, जो अभी तकरीबन पूरी कंप्लीट होने वाली है। नंबर एक। नंबर दो, ये जो बार बार हम डोलम प्लेटो की बात करते हैं, देखिए वहां पर जो वेस्टर्न फ्लैंक है जिसमें हम लोग बैठे हैं, और मैं पोस्ट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर जो कुछ पोस्टें सबको पता है, जैसे डोकाला है और उससे हम नॉर्थ की तरफ जाएं, वो एक पूरी रिज लाइन है, बहुत डोमिनेटिंग वाटरशेड है, और वहाँ पर हमारे पूरी एक बटालियन बैठी हुई है, और पूरा जो इलाका है वहाँ एक हमारी ब्रिगेड बैठी हुई है, और चाइना के वहाँ मुश्किल से 2 कंपनी पूरे हमारे इलाके। जनरल मेस्टन, प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम हुई है क्या, और हुई है तो इलाज क्या है सर, क्योंकि मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है सर, इसलिए मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा प्लीज। टाइम का कंस्ट्रेंट आप, मैं समझ सकता हूँ, देखिए फिर ये पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी, फैक्ट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं भूटान की, 2009 से मेरे इलाके से वो पूरा इलाका दिखता था, जिसको हम मसांग क्योंटू रिज बोलते हैं, वो है जैसे आपके रिप्रेजेंटेटिव ने बताया, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन चाइना एंड बिटवीन भूटान। उस इलाके में 2009 से पहले रोड्स एंड ट्रैक्स बन रहे थे, वो विलेज उसके बाद ही बने होंगे। तो मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर रहा हूँ,
अब आप उसको अनुमान लगा सकते हैं इंक्लूजन हुआ है या नहीं हुआ है, वो लोगों के ऊपर है उसको समझना। ठीक है, आपने कहा कि मैंने फैक्ट्स रख दिए हैं।